खुशी मिलती है देखने के लिए। आज पाकिस्तान के लिए टफ था, पाकिस्तान के लिए और ज्यादा टारगेट हो गया। कोई मजा नहीं आया मैच का, बारिश की वजह से डिस्टर्ब हुआ है सारा मैच। अगर यही हम बटलोटा में लेके जाते तो मैच अच्छा हो जाता। अगर आप शेड्यूल के बारे में देखें, कोलंबो में बारिश के आसार बने हुए थे, तो आपको क्या लग रहा है कि मैचेस हम बटलोटा में शिफ्ट करना चाहिए था? देखिए वो एक डिबेट का इशू है, क्योंकि जब आप टीमों से पूछते हैं, ये एशिया कप के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका ये काम होता है, उन्होंने जब ये मैच शिफ्ट किए, लोग कहते हैं कि बीसीसीआई के दबाव के कारण किए सारी। नहीं, जाका आश्रम ने आज एक इंटरव्यू में बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहते थे कि मैच शिफ्ट हो उधर मैच। आप अगर, मैं आपको कह रहा हूँ, वो दो दो मिनट में अपना स्टेटमेंट बदलते हैं। आप हम्बनटोटा में मुझे कहिए संदीप, ये स्थिति फिलहाल कोलंबो की है, कोलंबो में मैच हो रहा है, 15% लोग हैं, कोलंबो में मैच हो रहा है, 15% लोग स्टेडियम में केवल है। हम्बनटोटा यहाँ से 4 घंटा लंबा है, कौन आता आप मुझे बताइए, कौन आता? पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट हम्बनटोटा के लिए नहीं है, कोलंबो इंडिया से हम्बनटोटा के लिए फ्लाइट नहीं है। अगर कोलंबो में ही लोग 15% आ रहे हैं, हम्बनटोटा में कौन आता? स्टेडियम खाली जाता। कल भी 90% चांस है रेन का। देखिए अभी तो आपको आज 24.1 बॉल का गेम हो चुका है, कल आपको केवल 75 ओवर का गेम करना है। सबसे पहले ये चाहेंगे कि 25 ओवर का गेम हो जाए, ताकि 50 ओवर के बाद जो एक डकवर्थ लुईस का टारगेट जो है वो पाकिस्तान टीम को दिया जाएगा, और मेरे हिसाब से फिर T20 के हिसाब से मुकाबला होगा। लेकिन इंडियन टीम को विकेट नहीं देने ही, अगर वो विकेट देगी तो जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। तो इंडियन टीम विकेट नहीं देगी तो डकवर्थ लुईस में टारगेट पाकिस्तान को ज्यादा मिलेगा। T20 में पाकिस्तान के पास रिजवान ओपन करेंगे, जिसके कारण जो है पाकिस्तान खतरा वाली टीम। कोहली ऑफ द गेम। आर यू कमिंग बैक? आर यू गाइस कमिंग बैक टुमारो? यस ऑफ कोर्स वी कम। And have it travel tomorrow, but we're cancelling. And we're cancelling your flights? Yes, of course. We'll watch continue to match. Because tomorrow our flight. We're cancelling? Yeah. Tomorrow we'll cancel and we'll stay one more day and 12th night we'll back. So, who is at an advantage point as of now? India or Pakistan? Of course, India. Rohit ya Shubman Gill? शुभमन गिल। और क्या लग रहा है कल के एल राहुल और विराट कोहली टिक पाएंगे अगले ओवर्स के लिए? ओवर्स टिक पाएंगे विराट कोहली। कितना स्कोर टारगेट दे सकता है भारत पाकिस्तान को? 300 प्लस देना तो चाहिए। पाकिस्तानी बॉलर्स भी ताजा दम होके आएंगे दोबारा, हम भी ताजा दम होके आएंगे वापस, सपोर्ट करेंगे। और कल मैच देखने आएंगे आप लोग दोबारा? लेकिन क्या लगता है, बारिश है? आज 34 ओवर्स का मैच होता, अगर रिज्यूम होता गेम, तो अब कल जो है वो पूरा 50-50 ओवर्स का देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स रिज्यूम होगा। तो क्या लगता है, आज दुखी हो गए हैं आप मैच पूरा नहीं हुआ, या इस बात से खुश है कि कल होगा? यस, विराट की सेंचुरी आ रही है ना, लेकिन विराट की सेंचुरी आ रही है ना, मैच हो रहा है तो कल विराट सेंचुरी स्कोर कर सकता है? कर सकते हैं, ऑब्वियसली करेंगे। आज भी कर सकता था अगर बारिश ना होती, आज भी कर सकता था। अगर कल भी बारिश होती तो कितनी मायूस होंगी आप? कल ना हो यार प्लीज, कितने साल वेट करती हैं आज इस पाक भारत टाकरे को लेकर? वो पता नहीं हमें, हम तो फर्स्ट टाइम आए देखने से लाइव, हमारे लिए तो बहुत अच्छा वाला एक्सपीरियंस था। और अहमदाबाद भी जाएंगे मैच देखने, वर्ल्ड कप का जो बड़ा ट्राई तो करने वाले, लेकिन बुकिंग ऑलरेडी हो गई है सबकी, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है टिकट मिलना, बहुत डिफिकल्ट।